प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आज के इस क्लास की शुरुआत करेंगे। आप सभी कृपया अपनी आंखें बंद कर दीजिए। हे प्रभु ईसा मसीह, आपको अपने ईश्वर मानते हुए, आप में दृढ़ विश्वास करते हुए हमारे इस क्रिस्तीय जीवन को आगे ले जाने की कृपा हम सबको प्रदान कीजिए। हमारे जीवन में केवल आपको ही ईश्वर मानते हुए, आप में अटूट विश्वास करते हुए हमारे क्रिस्तीय जीवन बिताने की शक्ति एवं आशीष हम सबको प्रदान कीजिए। हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर की 10 आज्ञाएं कौन सी है, इन आज्ञाओं का महत्व क्या है, इनका अर्थ क्या है, ये आज्ञाओं की पूर्ति कैसे होती है, पिता ईश्वर की आज्ञाओं को प्रभु ईसा मसीह ने अपने जीवन में किस प्रकार पालन किया था और हमें अपने दैनिक जीवन में इन आज्ञाओं को किस प्रकार पालन करना है, आदि आदि बातों के बारे में हमने पिछले क्लास में यानी हमारे 7वीं कक्षा के पहले पाठ में पढ़ाई किया था। पिछले पाठ में हमने सीखा कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं हमको दे दी थी। उनमें से दूसरी आज्ञा है, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ और मेरा नाम व्यर्थ नहीं लेना। और आज हम पढ़ेंगे प्रभु ईश्वर के बारे में, उनके नाम के बारे में। सबसे पहले पैराग्राफ में हम ये देखते, एक बार ईसा यरूशलेम मंदिर में लोगों को शिक्षा दे रहे थे। बहुत सारे लोग बैठकर उनकी शिक्षा सुन रहे थे और उनमें से बहुत सारे उनसे ईसा मसीह से सवाल भी पूछ रहे थे। ईसा मसीह ने उन सभी सवालों का जवाब दिया। उस समय एक शास्त्री ईसा के पास आके उनसे एक सवाल किया, गुरुवर सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? उसके जवाब में ईसा मसीह कहते, इसराइल सुनो, तुम्हारे ईश्वर को अपने सारे हृदय, सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारी आत्मा से प्यार करो, यह है सबसे पहली आज्ञा। पर आइए अभी हम उस पहली आज्ञा के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ाई करेंगे। ईश्वर ने इसराइली जनता को मिस्र की गुलामी से मुक्ति दिला के बचा के लाया। मिस्र में उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन कठिनाइयों से ईश्वर ने उनको बचा के लाया। ईश्वर ने उनको यह बात प्रकट कर दिया कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, सब सृष्ट वस्तुओं का ईश्वर हूँ, सब सृष्ट वस्तुओं के ऊपर ईश्वर को अधिकार है। ईश्वर द्वारा अपनी चुनी हुई प्रजा इसराइल को दी गई पहली आज्ञा यह थी, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैंने तुमको मिस्र के देश से गुलामी के घर से बचा के लाया, मेरे सिवा मेरे अलावा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। आइए बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे पहली आज्ञा के विरुद्ध पाप कौन कौन सा है। हमको मालूम है पहली आज्ञा के विरुद्ध कई प्रकार के पाप है, उनमें कुछ पापों के बारे में हम अभी आने वाले इस पैराग्राफ में पढ़ाई करेंगे। जो लोग अपने सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास न करते हुए किसी अन्य ईश्वर या अन्य कोई मूर्तियों पर विश्वास करते, वो भी पहली आज्ञा के विरुद्ध पाप करते हैं। जो अपने परिपावन ईश्वर के छत्र छाया में नहीं रहते या उनके परिपालन में आश्रय नहीं लेते, वो भी पहली आज्ञा के विरुद्ध पाप करते हैं। जो लोग ईश्वर की शक्ति नहीं जानते, उनकी कृपा को महसूस नहीं करते, वो भी पहली आज्ञा के विरुद्ध पाप करते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहली आज्ञा के विरुद्ध जो मेन पाप है वो कौन कौन सा है। सबसे पहला पाप जो पहली आज्ञा के विरुद्ध है वो ये है, नास्तिकता। क्या आप जानते हैं कि नास्तिकता क्या है? ईश्वर में विश्वास न करना या उनका इनकार करना, उनका तिरस्कार करना, यही नास्तिकता है। हमको मालूम ईश्वर के अस्तित्व को ना मान या ये बोलना कि ईश्वर है ही नहीं, यही नास्तिकता है। ये पहले आज्ञा के विरुद्ध
एक बड़ा पाप होता है नास्तिकता। अभी दूसरा पाप जो है पहली आज्ञा के विरुद्ध, वो है मूर्ति पूजा। इसके बारे में आप सभी जानते हो, हम जानते हैं कि ईश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है, हम सभी को उन्होंने बनाया, उनकी छाया में उनके रूप में हम सबको उन्होंने हमारा सृजन किया, हमारा गठन किया। तो इस ईश्वर पर विश्वास करना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन उस ईश्वर पर विश्वास न करते हुए किसी अन्य मूर्तियों की पूजा करना, उनकी आराधना करना मूर्ति पूजा होती है। अन्य देवी देवताओं की आराधना करना, उनसे प्रार्थना करना, ये सब मूर्ति पूजा है। धन दौलत पर अधिक इच्छा जताना भी मूर्ति पूजा में आता है। हमने अक्सर देखा है कि किसी किसी घर में फिल्म सितारों का चित्र टांग के रखा है, उनका फोटो टांग के रखा है, और उनके उनसे बहुत लगाव मन में होता है। ये भी एक प्रकार की मूर्ति पूजा है। तीस प्रकार की मूर्ति पूजा भी पहली आज्ञा के विरुद्ध पाप होता है। तो हमें इस मूर्ति पूजा से बचते रहना, क्योंकि हमारा विश्वास ये है कि हमारे एक ही ईश्वर है, हमारे स्वर्गीय पिता। उस ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं, उन्होंने हमारा सृजन किया, उस पर अटूट भरोसा रखते हुए, अटूट विश्वास रखते हुए हम सभी को जीना है, न कि कोई अन्य मूर्तियों के पीछे जाके हमको उनकी आराधना न करना चाहिए। अभी हम एक दूसरे पाप के बारे में सुनेंगे जो पहली आज्ञा के विरुद्ध है, वो है जादू टोना। क्या आपने जादू टोना के बारे में सुना है? किसी दुष्ट आत्मा की शक्ति से अपने भौतिक फायदे के लिए, मुनाफे के लिए, या दूसरों की हानि के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो जादू टोना है। अभिजार, तंत्र मंत्र आदि जादू टोना में आता है। ईश्वर भला है और हमें यह अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि जादू टोना ईश्वर के विरुद्ध एक बड़ा पाप होता है। अभी हम एक और पाप के बारे में पढ़ेंगे जो पहली आज्ञा के खिलाफ है, वो है अंधविश्वास। बहुत प्रकार के अंधविश्वास के बारे में हमने सुना है या हमने अपनी आंखों से देखा है। अंधविश्वास रखने वाले लोगों के साथ हम जीते एक प्रकार। हमने देखा है कि कई लोगों ने अपने जीवन में अंधविश्वास रखते हैं, किसी भी किसी प्रकार के अंधविश्वास रख के अपने जीवन को आगे ले जाता है। तो आइए हम देखते हैं अंधविश्वास क्या है। अंधविश्वास वही है जो सत्य विश्वास के अनुरूप नहीं है ना। सत्य विश्वास के अनुरूप जो विश्वास नहीं होता उसको हम अंधविश्वास कहते हैं। उदाहरण के लिए, हम अपने भविष्य जानने के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, हस्तरेखा शास्त्र ज्योतिषी के पास जाके अपने भविष्य के बारे में पूछते हैं। ये एक अंधविश्वास का उदाहरण। एक कुंडली, राशिफल, ये सभी अंधविश्वास में आते। तो हमें क्या करना है, इस अंधविश्वास को दूर करते हुए, हमारे एक ही ईश्वर में विश्वास करते हुए हमारे इस क्रिस्ती जीवन को आगे ले जाना है। यही हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। अभी अगला पाप है जो पहली आज्ञा के खिलाफ, वो है ईश निंदा। ईश्वर के लिए अर्पित किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का अपमान करना भी इस निंदा में आता है। अयोग्य रीति से संस्कारों को ग्रहण करना, ये भी इस निंदा में आता है। प्यारे बच्चों, अभी हम पहली आज्ञा के विरुद्ध आखिरी पाप है वो पढ़ेंगे, वो है शैतान पूजा या प्रेतात्मवाद। ईश्वर, संतों या अन्य ईश्वर को समर्पित वस्तुओं की अवहेलना करते हुए या उनको उनके साथ दुष्कर्म करते हुए जो भी कार्य किए जाते हैं शैतान को संतुष्ट करने के लिए, वो शैतान पूजा कहा जाता है। यानी ईश्वर की निंदा करते हुए, संतों की निंदा करते हुए या किसी दूसरे की निंदा करते हुए शैतान को खुश करने के लिए जो भी कार्य हमसे की जाती है वो शैतान पूजा कहा जाता है। ईश्वर के खिलाफ पाप है या ईश्वर की पहली आज्ञा के खिलाफ पाप है। अभी हम प्रेतात्मवाद के बारे में सुनेंगे। प्रेतात्मवाद ये क्या है, आपने सुना होगा शायद, नहीं तो मैं बता रहा हूँ।
किसी मरे हुए आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए तंत्र मंत्र से जो भी कार्य किए जाता है वो प्रेतात्मवाद कहते हैं, है ना। किसी मरे हुए आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए तंत्र मंत्र से जो भी कार्य किए जाते हैं वो प्रेतात्मवाद कहते हैं। ये भी पहली आज्ञा के विरुद्ध पाप है, हमें इनसे भी बचते रहना है। यानी हमने देखा पहली आज्ञा क्या है, पहली आज्ञा के विरुद्ध पाप क्या है, हर पाप के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। ये सब आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अभी हम आगे पढ़ेंगे ईश्वरीय पुण्य क्या है, है ना। पाप के बारे में हमने पढ़ा, अभी ईश्वरीय पुण्य क्या है इसके बारे में हम आने वाले पैराग्राफ में पढ़ाई करेंगे। ईश्वर हमसे यही चाहता है कि हम ईश्वर में विश्वास करते हुए अपना क्रिस्तीय जीवन बिताएं। ईश्वर जो हमारा सृष्टि करता है उसमें विश्वास करते हुए हमारा क्रिस्तीय जीवन बिताना है, तो हमारे अंदर क्रिस्तीय पुण्यों की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी विश्वास, भरोसा एवं प्रेम। ये तीनों पुण्य हमारे जीवन में अगर होते तो हम ईश्वर के इच्छा के अनुसार हमारा जीवन बिता सकते हैं। ये तीनों को हम ईश्वरीय पुण्य कहते हैं, विश्वास, भरोसा एवं प्रेम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विश्वास के बारे में। विश्वास क्या है? जो अपने स्वयं को प्रकट करता है उस ईश्वर पर संपूर्ण समर्पण के द्वारा मनुष्य का प्रत्युत्तर है विश्वास। ईश्वर हमारा सृष्टिकर्ता एवं संरक्षक है, हमें उस ईश्वर पर विश्वास करते हुए उनसे संबंध बनाए रखना है, और इसके लिए विश्वास हमारा सहायक बन जाता है या विश्वास हमारी मदद करते हैं। अभी हम ईश्वरीय पुण्यों में दूसरे पुण्य के बारे में पढ़ेंगे, वो है भरोसा। पहले पुण्य के बारे में हमने पढ़ा विश्वास, और दूसरा पुण्य है भरोसा। भरोसा हमें एक उम्मीद प्रदान करते हैं कि ईश्वर की कृपा हमें हमेशा मिलती रहेगी। एक प्रतीक्षा है, ईश्वर की कृपा हमें पर्याप्त रूप में मिलेगी, यही भरोसा है। क्रिस्तीय होकर ईश्वर की कृपा को अपनाते हुए हमारे जीवन को किसी भी परेशानी में, किसी भी स्थिति में अच्छे से आगे ले जाएंगे, यही भरोसा है। आखिरी में हम ये कह सकते हैं कि निराशा भरोसा के विरुद्ध एक पाप होता है। अक्सर हमारे जीवन में निराशाएं आती है, जब जीवन में कुछ विपरीत परिस्थिति आती है या कुछ दुख तकलीफें होती है, परेशानियां आती है, पीड़ाएं आती है, दर्द महसूस करना पड़ता है, तभी हमारे जीवन में निराशा आ जाती है, कई सवाल हमारे जीवन में आते हैं, तो हम कह सकते हैं तभी हमारा भरोसा ईश्वर पर, हमारा भरोसा टूट गया है, इसलिए हमारे अंदर निराशा की उत्पत्ति होती है, निराशा का जन्म होता है। तो हमें निराशा को दूर रखते हुए ईश्वरीय भरोसा में अपना जीवन बिताना है। और आखिरी पुण्य है प्रेम। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर सच्चा प्रेम है, तो हमें भी उस ईश्वर को प्रेम करते हुए अपना जीवन बिताना है। जिस प्रकार ईश्वर ने, ईसा मसीह ने हमें प्यार किया, उसी प्रकार हमें भी ईश्वर को प्यार करते हुए अपना जीवन बिताना है। जिस प्रकार ईश्वर ने हमें प्यार किया उसी प्रकार हमें भी ईश्वर को प्यार करना है, यही हमारी जिम्मेदारी बनती है। ईश्वर को प्यार करने के साथ साथ हमें अपने भाई बहनों को भी प्यार करना है। अगर उन्हें प्यार करना है तो ईश्वरीय पुण्य प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। तो हमने तीनों पुण्य के बारे में पढ़ाई किया, विश्वास, भरोसा एवं प्रेम। ये तीनों पुण्य हमारे जीवन में अर्जित करने की कोशिश हम करें। हमारे जीवन में ये तीनों पुण्य हमेशा होना ही चाहिए, तभी हम ईश्वर के विरुद्ध पाप करने से बच सकते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे कि हमारे ईश्वर की आराधना करना हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी, इसके बारे में, ईश्वर की उपासना, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। उपासना ईश्वर को न्याय संगत है। अपनी आराधना एवं प्रार्थना के जरिए हमें ईश्वर की स्तुति करना चाहिए, उनकी महिमा गाना चाहिए, उनको
धन्यवाद देना चाहिए। एक सृष्टि होने के नाते हमारा कर्तव्य ये बनता है, हमारा फर्ज है अपने सृष्टिकर्ता की आराधना करो। पहली आज्ञा हमसे यही अनुरोध करते हैं कि हमें अपने ईश्वर की आराधना करनी चाहिए हमेशा, हमारे जीवन के हर पल, हर वक्त, हर घड़ी हमें अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। पवित्र बलिदान एवं अन्य आराधना उपासना विधियां ईश्वर की आराधना करने के लिए हमारी मदद करते हैं। हमें मालूम है ईश्वर ने एक बार शैतान को डांटा था, शायद आपने बाइबल में पढ़ा होगा, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो शैतान ने ईश्वर के पास आकर कहा, अगर तुम दंडवत करके मेरी आराधना करोगे तो तुम्हें ये सब कुछ मैं प्रदान करूँगा। तब ईश्वर ने उनको डांटते हुए, भगाते हुए कहा, हट जा शैतान, आराधना केवल ईश्वर के लिए ही होती है। तो हमारा कर्तव्य यही बनता है कि हमेशा अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर की आराधना करें, ना कि कोई अन्य देवी देवताओं की आराधना करें, उनकी उनसे प्रार्थना करें, बल्कि हमारे अंदर एक ही ईश्वर है, अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर, उसी की ही आराधना करते हुए हमें अपना जीवन को आगे ले जाना है। यही हर एक क्रिश्चिय का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। आइए हम इस पाठ के आखिरी पैराग्राफ में ये पढ़ेंगे कि संतों के आदर करने कैसा करना है। हम सभी संतों से मध्यस्थता मांगते हैं, हमारे चर्चों में संतों की मूर्तियां रखी है, हमारे घरों में संतों की छायाचित्र होंगे, और हम इधर पढ़ेंगे कि हम उनसे या संतों से प्रार्थना करने की आवश्यकता या उनसे मध्यस्थता करने की ज़रूरत क्या होती है। संतों की आराधना नहीं की जाती, लेकिन केवल उनका आदर, उनका सम्मान करते हैं हम लोग। आराधना केवल ईश्वर की जाती है, संतों की आराधना हम नहीं करते, हम उनका आदर करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनके जीवन की याद दिलाते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, उन्होंने ईश्वर पर जो अटूट विश्वास करते हुए जीवन की विपरीत स्थितियों में भी ईश्वर पर भरोसा रखते हुए, ईश्वर को प्यार करते हुए, ईश्वर पर परिपूर्ण विश्वास करते हुए जो क्रिश्चियन जीवन उन्होंने बिता के हमको दिखाया, उस राह पर चलने के लिए संतों की जीवन हमें मदद देती है। हमें उनसे मध्यस्थता मांगना है ताकि हम भी उनके पद चिन्हों पर चलकर ईश्वर पर विश्वास करते हुए, ईश्वर पर अटूट भरोसा रखते हुए, ईश्वर को परिपूर्ण हृदय से, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण शक्ति से प्यार करते हुए, हमारे जीवन की विपरीत स्थितियों में भी ईश्वर पर हमारा विश्वास ना खोते हुए हमारे एक क्रिश्चियन जीवन को आगे ले जाने में संतों के जीवन हमें मदद प्रदान करता है। संतों का आदर करना कभी भी मूर्ति पूजा या पहली आज्ञा के विरुद्ध पाप नहीं होता। किसी किसी के मन में डाउट होगा, संतों का आदर करना मूर्ति पूजा होता है क्या? नहीं, हमें ये अच्छी तरह समझना चाहिए कि संतों का आदर करना मूर्ति पूजा नहीं होता, ये पहली आज्ञा के विरुद्ध पाप भी नहीं है, क्योंकि हम उनसे मदद लेते हैं एक अच्छा क्रिश्चियन जीवन बिताने के। जिस प्रकार उन्होंने अच्छा क्रिश्चियन जीवन बिताया प्रभु ईश्वर पर विश्वास करते हुए, हम उनकी जीवन शैली को अपनाते हैं, उन जीवन शैली को अपनाते हुए हम भी एक सच्चाई की राह पर चलते हुए अपने जीवन बिताने की कोशिश करते। इसलिए संतों का आदर करना कभी भी मूर्ति पूजा नहीं होती। अभी आपको कंठस्थ करने के लिए कुछ एक्सरसाइज किताब में दिया गया है, आपको खुद करने का है, यानी विश्वास की बिंदी, भरोसे की बिंदी, प्रेम की बिंदी, ये तीनों बिंदियाँ आपकी किताब में दी गई है। आप कृपया इसको कंठस्थ करिए, अपने जीवन में ये निर्णय ले कि पवित्र बलिदान जैसे उपासना विधि में अच्छे से भाग लेते हुए आपका क्रिश्चियन जीवन बिताएंगे, यही निर्णय भी आपको लेना है।
अभी हम इस किताब में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, कुछ सवाल आपको दिए हैं, हम उन सवालों का आंसर इसमें ढूंढे। पहला क्वेश्चन ये है कि पहली आज्ञा का सारांश क्या है। हमने देखा पहली आज्ञा का सारांश ये था, आप खुद देख लेना, फिर भी मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। पहली आज्ञा का सारांश है कि आपकी एक ही ईश्वर है, उस ईश्वर की आराधना करना, ना कोई अन्य ईश्वर या देवी देवताओं की पूजा नहीं करना, यानी अपन को किसी अन्य मूर्ति पूजा नहीं करना है, अन्य किसी भी प्रकार की ईश्वर की आराधना नहीं करना, हमारे एकमात्र ईश्वर की आराधना करना है, यही पहली आज्ञा का सारांश है। अभी दूसरा सवाल यह है, मूर्ति पूजा क्या है। हमने अभी पढ़ के सुना पाठ में, हमने अच्छे से पढ़ा कि मूर्ति पूजा क्या है, अपने ईश्वर पर जो विश्वास है उसको छोड़ते हुए अन्य किसी देवी देवताओं की पूजा करना या अन्य किसी वस्तु को ईश्वर से भी ज़्यादा स्थान हमारे जीवन में देना, अन्य कोई व्यक्ति को अपने जीवन में ज़्यादा महत्व देना या किसी समाज में ऊंचे पद पे बैठने वाले किसी व्यक्ति को या फिल्म सितारों को या अपने नाम कमाने के लिए या धन दौलत कमाने के लिए हम ज़्यादा महत्व देते हैं, ये सब मूर्ति पूजा में आता है। अभी तीसरा सवाल ये है कि पहली आज्ञा के विरुद्ध पाप कौन कौन से हैं। पहली आज्ञा हमने पढ़ा, उसके विरुद्ध कई पांच छह पाप के बारे में हमने पढ़ा, तो सवाल ये है कि पहली आज्ञा के विरुद्ध पाप कौन कौन सा है। पहला पाप ये है नास्तिकता, अंधविश्वास, जादू ठोना, मूर्ति पूजा, शैतान पूजा और ईश निंदा। ये छह पाप पहली आज्ञा के विरुद्ध पाप के रूप में माना जाता है। नास्तिकता, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, जादू ठोना, ईश निंदा और शैतान पूजा और प्रेतात्मवाद, ये है पहली आज्ञा के विरुद्ध पाप। अभी अगला सवाल हमारा ये है, ईश्वरीय पुण्य कौन कौन से हैं। ईश्वरीय पुण्यों के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा, विश्वास, भरोसा एवं प्रेम, ये तीनों को ईश्वरीय पुण्य के रूप में माना जाते हैं, विश्वास, भरोसा एवं प्रेम। अभी हमारा आखिरी सवाल ये है, संतों का आदर करना मूर्ति पूजा नहीं होती, क्यों। संतों का आदर करना मूर्ति पूजा नहीं होती, क्यों। हमने अपने पाठ के सबसे आखिरी पैराग्राफ में देखा था इसके बारे में, हम संतों की आराधना नहीं करते। मैंने पढ़ाया था आपको कि हम संतों की आराधना नहीं करते, आराधना केवल ईश्वर की होती है, हम संतों का आदर करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनके जीवन शैली को अपनाते हैं, उन्होंने जो जीवन हमको जी के दिखाया था, उन्होंने जो राह हमें दिखाया था उसी राह को हम अपनाते हैं। यानी संतों ने ईश्वर पर विश्वास करते हुए, ईश्वर पर भरोसा करते हुए, ईश्वर को अपने पूरे हृदय से प्यार करते हुए, अपने जीवन की विपरीत स्थितियों में भी ईश्वर पर अटूट भरोसा रखते हुए जो जीवन बिता के दिखाया, वही जीवन शैली को हम अपनाने में संतों का जीवन हमारी मदद करता है, इसलिए संतों का आदर कभी भी मूर्ति पूजा नहीं होती। ये हमारा इस पाठ का पूरा सारांश। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, आप खुद एक दो बार इसको पढ़ के देख ले। प्रभु आप सबको आशीष दे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय शिव।